मैंने 30 ईयर्स टीचर रहा हूं, मैं कॉलेज टीचर। 2013 में आई टुक माय बीआरएस फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ये छोटा सा पीरियड रहा मेरा जिसमें पॉलिटिक्स भी हो गई, एमएलए भी बन गया, मंत्री भी बन गया। तो मैं अपने स्टूडेंट से कहना चाहूंगा, दो स्टूडेंट्स ऑफ द बी स्कूल, कि अपने विजन को, अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को, जो भी आप सोचते हैं उनको स्ट्रांग विल के साथ पूरा करिए। डिफिकल्टीज चैलेंजेस बहुत आएंगे और चैलेंजेस आएंगे। साइंस टेक्नोलॉजी के वी आर लिविंग इन द साइंस युग, लाइक टाइम ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एवरी मिनट साइंस इज चेंजिंग, टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग। यू हैव टू कोप अप विद टेक्नोलॉजी एंड साइंस टू मीट द चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स विच यू विल फेस इन द फ्यूचर। बड़ा जो उद्देश्य है वो ये है कि हमारे यूथ जो पॉपुलेशन है, हमारे देश का युवा जो है, वो 2025 में हमारे देश में सबसे, दुनिया में सबसे ज़्यादा यूथ हमारे यहाँ होंगे। तो इस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम लोग उनके अंदर लीडरशिप डेवलप करना चाहते हैं, उनके अंदर जो ग्लोबल स्किल्स है वो डेवलप करना चाहते हैं, ताकि वो सारी दुनिया में जा करके अपना नाम कमाएं और उनको रोजगार अच्छे से मिल सके। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसका थीम हमने रखा है लीडरशिप के ऊपर। तो लीडरशिप में जो हमारा खास फोकस है वो है प्रोफेशनलिज्म और एथिक्स, एथिकल लीडरशिप के ऊपर। और उसको हम लोग चाह रहे हैं कि युवा इस बात को समझे कि दुनिया में अच्छा करने के लिए उनको सबसे पहले अपने घर में अच्छा करना पड़ेगा। तो उनके लोकल कंडीशंस में काम करें, उनके आसपास की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको देखें, उनको सॉल्व करें, फिर वो दिन दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं अगर वो चाहें तो। आप इसलिए इस कॉन्फ्रेंस में आप देखेंगे कि हमने राजस्थान से 4 लीडरशिप के केसेस चूज किए हैं, और राजस्थान के केसेस को अब हम क्लासरूम में ले जाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे, पार्ट ऑफ करिकुलम बनाएंगे उसको। तो ये जयपुरिया का ये अटेम्प्ट है, और हमारा जो ध्येय है वो यही है कि लोकल इम्पैक्ट बच्चे डाल सकें, लोकल समस्याओं को सॉल्व कर सकें और अपने मिट्टी से जुड़ सकें, जुड़ करके और फिर देश दुनिया जाएं, अमेरिका जाएं, इंग्लैंड जाएं, जहां भी जाना हो जाएं। तो हर तरह के उनको दोनों कॉम्बिनेशन उनके अंदर होना चाहिए, लेकिन ये सेंस होना चाहिए कि जो हमारी अपनी जगह है, अपना जो स्थान है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्या खास है इस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, ये 7वीं बार है कि हम यूथ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज के दिन, जैसे कि आप जानते हैं, यूथ देश का सबसे बड़ा हिस्सा है, और यूथ को आगे जाके किस तरीके की चैलेंजेस फेस करनी पड़ेंगी एक बदलती हुई दुनिया में, जहाँ पे हम ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि 10 साल बाद, 15 साल बाद किस तरीके की दुनिया में वो रह रहे होंगे, किस तरीके की जॉब्स कर रहे होंगे या किस तरीके की कंपनियाँ तैयार कर रहे होंगे। इस बार हमने लीडरशिप का टॉपिक उठाया है, जो एक बहुत अहम टॉपिक है, क्योंकि जितना भी दुनिया बदले, जितनी भी कंपनियाँ बदले, लोगों के साथ काम करना, लोगों को लीड करना एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है। और जो हमने लीडरशिप में, जो गेस्ट ने बताया है, मंत्री जी ने भी बताया है, कि लोगों को साथ में लेके चलना, जो पुरानी तरीके की लीडरशिप थी जहाँ पे लीडर बताता था और दूसरे करते थे, वो उसका ज़माना धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है और लीडरशिप पार्टिसिपेटिव बनती जा रही है। एक लीडर को एक एग्जाम्पल बनना है अपने लोगों के लिए, उनके साथ जुड़ के चलना है, और यही आगे की अब बच्चों को हम तैयार कर रहे हैं ताकि वो इसको समझे और इसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है। मैं बिल्कुल जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के तत्वाधान में आज एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ 2025, जो बिजनेस लीडरशिप है कैसे उसको डेवलप किया जाए और जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे मीट आउट किया जाए, री अमेजिंग द यंग लीडरशिप, इस तरह के इश्यूज़ को यहाँ डिस्कस किया जाएगा। और मुझे खुशी है कि एक ऐसा प्रयास ये कई सालों से कर रहे हैं, पर ये लगातार उसी सीरीज में आज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूथ की जा रही है, जिसमें US, भूटान और बहुत सारे देशों के लोग भाग ले रहे हैं, और इंडिया से भी बहुत सारे लोग आए हैं, बिजनेस लीडर्स आए हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारी कंपनीज के जो है कॉरपोरेट हाउसेस के लोग यहाँ आए हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि क्या बिजनेस लीडरशिप में चैलेंजेस आएंगे, यंग लीडरशिप को कैसे डेवलप किया जाए, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे जो क्लाइमेटिक चेंजेस, बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, डाटा एनालिटिक्स के इसके फील्ड में, और किस तरह से जो 3P अप्रोच है यंग्स को आज के, मैं जो सोचता हूँ यूथ को होना चाहिए, अच्छी अगर यूथ लीडरशिप चाहते हैं तो एक तो पार्टिसिपेटिव होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए,
और तीसरा मैं कहना चाहूँगा उसको पॉजिटिव होना चाहिए। तो 3P अप्रोच वी शुड डेवलप इन द यूथ लीडरशिप, जो जिससे कि वो उन चैलेंजेस को मीट कर सके, चाहे किसी भी फील्ड के चैलेंजेस हों, और यूथ को हम कैसे एक गुड लीडर्स बना सकें, न केवल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि सोशल प्रॉब्लम्स को भी वो सॉल्व कर सकें और दूसरी जो अदर प्रॉब्लम्स हैं कंट्रीज की या वर्ल्ड की, ग्लोबल की, उनको सॉल्व कर सकें। तो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा प्रयास है जपिया इंस्टीट्यूट का, और इसमें ये जो है डिफरेंट दो दिन के टेक्निकल सेशंस में डिफरेंट इश्यूज को फोकस करेंगे, केस स्टडीज़ या राजस्थान की 4 केस स्टडीज़ बनाई गई हैं जिसके ऊपर वो जानेंगे, जो लोकल एनवायरमेंट, लोकल उसमें जो जिसमें हमारे एक डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज की भी केस स्टडीज़ यहाँ डिस्कस की गई है और कॉपी भी दी गई है। तो मैं समझता हूँ इट्स ए गुड एफर्ट्स ऑफ द जपिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। CEO Mr. Vishwas Pingi was developed by Dr. Anvay Bhargav. And the fourth case, Tapri, best to back to sustainability based on journey of Mr. Ankit Bora and Mr. Bhavna by Dr. Varun Chodia and Dr. Prerna Jain. Me that okay, I am so and so, and or tell me that mine is a very lucrative assignment. I refer back to a dialogue from Devar, where you have Amitabh Bachchan in dialogue with Shashi Kapoor, and Amitabh Bachchan tells Shashi Kapoor, for those of us who are film buffs, Amitabh Bachchan tells Shashi Kapoor, I have Gari, I have Ghora, I have Bangla, and all those kind of things, and Shashi Kapoor very demurely tells him, I have Ma. So today in my department, I do exactly that. When people tell me, I am heading this department, that department, I only tell them that I have this platform, I have... This campus itself should also encourage a lot of startup, and I'm sure our guests who are here today will also focus on that. See, with all that, there is also one last thing that I'll say and tell you. You might have all read Homo Sapiens by Yuval Noah Harari, a book that made a huge impact 3 years back. And of course, he's come out with several other books now. He has written an article in The Atlantic in September 2018, which talked of the tyranny of technology. Why I'm saying? Because there is an ends. And that is why there's a lot of, scissor cutting, which is happening in also in the bureaucracy. But we must realize one thing, Mr. Harare has said, and he says that technology...